अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद से ही लगातार सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई थी कि आखिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। तभी से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल या आतिशी को दिल्ली की कुर्सी देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सीएम के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक से पहले केजरीवाल ने अपने आवास पर एक पीएसी की बैठक बुलाई। करीब एक घंटे तक चली बैठक में पीएसी के सभी सदस्य और मौजूदा कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में मौजूद एक एक नेता से केजरीवाल ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की और उनका फीडबैक भी लिया। हालांकि सभी ने आतिशी के नाम को लेकर सहमति जताई। ऐसे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आतिशी मार लेना कौन है और कैसे उनका कद आम आदमी पार्टी में बढ़ता चला गया। कौन है आतिशी मार लेना? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था और वो पंजाबी राजपूत परिवार से आती हैं। उनके पिता विजय सिंह और मां तृप्ता सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बताया जाता है कि आतिशी के पिता विजय सिंह ने मार्क्स और लेनिन से लिए गए कुछ अक्षरों को मिलाकर उनका नाम आतिशी मार लेना रखा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार लेना ने अपना नाम से मार लेना शब्द हटा दिया और अब वो आतिशी के नाम से फेमस है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शैवनिंग छात्रवृत्ति पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोज स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। आतिशी का राजनीतिक सफर। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल हो गई थी। वह 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। आपका कहना है कि उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। आतिशी आप प्रवक्ता भी रही। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वह बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से 4,77,000 मतों से हार गई थी। हालांकि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी के गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार की जगह दी गई है। अरविंद केजरीवाल की खास हैं आतिशी। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और शिक्षा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतिशी वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब वो केजरीवाल की जगह दिल्ली की नई सीएम बनने वाली हैं।